Section 6. Relevancy of facts forming part of same transaction, जिसे हम doctrine of res gestae भी कहते हैं. इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ये हमारा सेकंड और लास्ट लेक्चर है. अपने पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 6 विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हमने बेसिक बातों को समझ लिया था. हमने इसके मीनिंग को समझा, कुछ इलस्ट्रेशंस देखा और हमने कुछ केस लॉज को भी देखा था, और केस लॉज के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन के स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को समझा था विथ इजी अंडरस्टैंडिंग एंड विथ नोट्स. अगर आप वीडियो में नए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आज का ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा और आप लिंक कर पाओगे चीज़ों को. चलिए, तो हमने जाना कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी वो सभी फैक्ट्स रेलेवेंट कहलाते हैं जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं. नाउ ये जो वर्ड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे और हम रेस जस्टी के एडमिशिबिलिटी के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, उसे समझेंगे. और एट द एंड हम रेस जस्टी और हियर से एविडेंस को समझेंगे, क्योंकि हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी. ठीक है, चलिए. तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. देखो, ये जो वर्ड ट्रांजैक्शन है इसे लॉ ऑफ एविडेंस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. अगर हम ट्रांजैक्शन वर्ड के जनरल मीनिंग को देखें तो स्टिपन डिफाइन करते हैं ट्रांजैक्शन को इन वर्ड्स में. स्टिपन कहते हैं कि ट्रांजैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन इन द वर्ड्स ऑफ स्टिपन. तो स्टिपन कहते हैं कि ट्रांजैक्शन इज ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सो कनेक्टेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है, सो कनेक्टेड विद ईच अदर एज टू बी रेफर्ड बाई अ कॉमन लीगल नेम. लाइक क्राइम, जैसे क्राइम हो गया, रॉन्ग, या सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, विच मे बी एन इशू. तो स्टीपन कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हैं या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स एक दूसरे से क्या हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उन फैक्ट्स को टुगेदर हम एक कॉमन लीगल नेम दे सकते हैं. जैसे क्राइम, जैसे रॉन्ग, सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, विच मे बी एन इशू. ठीक है, तो ये है ट्रांजैक्शन. जैसे
हमारा जो केस था रतन वर्सेस क्वीन, इसमें जब हमने डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, इंटरलिंक्ड किया, तो उससे हमारा फैक्ट एंड इशू क्लियर हो जा रहा था कि जो गर्ल थी उसने पुलिस को टेलीफोन किया। फैक्ट नंबर वन, पुलिस को टेलीफोन पे अपना एड्रेस दिया। फैक्ट नंबर टू, पुलिस उस दिए एड्रेस पर विद इन 5 मिनट्स पहुंचती है। फैक्ट नंबर थ्री, वहां पे उसे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। फैक्ट नंबर फोर, तो स्टीफन कहते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड हैं कि हम इन्हें एक लीगल नेम दे सकते हैं, जैसे क्राइम, जैसे रॉन्ग, सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। क्योंकि अगर इन फैक्ट्स की इंक्वायरी हो जाती है तो जो हमारा फैक्ट इन इशू है वो क्लियर हो जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्लियर है? ओके, अब देखो फिप्सन क्या कहते हैं। फिप्सन कहते हैं जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली सीरीज ऑफ फिजिकल फैक्ट्स हैं। ट्रांजैक्शन बेसिकली सीरीज ऑफ फिजिकल फैक्ट्स हैं प्लस स्टेटमेंट्स या वर्ड्स स्पोकन। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। फिप्सन कहते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिकली सीरीज ऑफ फिजिकल फैक्ट्स हैं अलॉन्ग विथ वर्ड्स स्पोकन। ठीक है, ओके। अब देखो एक इलस्ट्रेशन हम ले करके ट्रांजैक्शन को समझते हैं। अब एक एग्जांपल हम समझते हैं। देखो ए और ये बी, ठीक है, ए असॉल्ट्स ऑन बी विथ नाइफ। ठीक है, ए बी पर हमला करता है चाकू से। अब सी जो कि एक बाईस्टैंडर था, ठीक है, उसने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा था। सी एक्सक्लेम्ड दैट, सी ये कहता है कि ए वॉज किलिंग बी, ए बी को मार रहा था चाकू से और बी के गले से खून निकल रहा था। तो ये जो एक्सक्लामेशन है किसका, सी का। This exclamation is a part of same transaction. ये क्या है, same transaction का part है, ठीक है। अब किसके किसके statements रिस जस्टी के category में आते हैं, या किसके किसके statements रिस जस्टी के तहत relevant माने जाते हैं, तो accused का, victim का और bystanders का। Statements of these persons are relevant under res justi. ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम doctrine of res justi के admissibility को समझें तो इसके कुछ conditions हैं, कुछ grounds हैं regarding admissibility of res justi, इसे भी समझ लो।
जिन भी सेक्शंस को, जिन भी टॉपिक को लॉ ऑफ एविडेंस में मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हो, क्योंकि सारे सेक्शंस को अगर आप पढ़ते हो तो वो रेलेवेंट नहीं है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड रह करके अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो भी सेक्शंस, जिन भी टॉपिक्स को मैं कवर करा रहा हूँ, आप केवल उतना ही पढ़ लेते हो तो कोई सा भी पेपर आ जाए, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कर ले जाओगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने आप को एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो एडमिशिबिलिटी ऑफ रेस्ट डिस्ट्रिक्ट, एडमिशिबिलिटी ऑफ या आप लिख सकते हो conditions, conditions for admissibility of res justi. Following conditions are needed to be satisfied. पहला कहता है statement must be statement of fact, not of opinion. जो statement है bystanders का, वो statement of fact होना चाहिए, not of स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाईस्टैंडर्स का या एक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वॉट एक्चुअली हैपेंड, जो चीज़ एक्चुअली में हुआ है उसके रिगार्ड में आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। योर पर्सनल ओपिनियन, योर पर्सनल व्यू पॉइंट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, दूसरा कहता है स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाई पार्टिसिपेंट और विटनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। जो स्टेटमेंट होगा वो पार्टिसिपेंट का होगा, जो किसी न किसी मैनर में उस इंसिडेंट का पार्टिसिपेंट था, ठीक है। तीसरा कहता है स्टेटमेंट मेड बाई बाईस्टैंडर इज ऑल्सो एडमिशिबल इफ ही वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ ऑफेंस। एक बाई स्टैंडर का जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिशिबल माना जाएगा, तब जब वो एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ ऑफेंस, जब ऑफेंस हो रहा था तो वो क्राइम प्लेस पे मौजूद था, ठीक है। लास्ट कहता है स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन इंसिडेंट इन सेम रीजनेबल मैनर। जो भी फैक्ट्स, जो भी एविडेंसेस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे, जिन भी फैक्ट्स को हमने इंटरलिंक किया था टुगेदर और जो कंक्लूजन पे हम पहुंच रहे थे, अगर एक बाईस्टैंडर है जो कि सोल विटनेस है, तो वो जो भी स्टेटमेंट देगा वो उस सेम चीज़ को रिवील करेगा, राइट। तभी हम उसके स्टेटमेंट को रेलेवेंट मानेंगे, एडमिसिबल मानेंगे, ठीक है। तो एक तरफ जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, जिस कंक्लूजन के ओर हमें लेकर के जा रहे हैं, कोई बाईस्टैंडर था वो भी क्या करे, उसी सेम कंक्लूजन के तरफ लेकर के जाए, तभी उसके स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट मानेंगे, एडमिसिबल मानेंगे, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है। तो आप लिख लो एडमिसिबिलिटी ऑफ रेस जस्टी, फॉलोइंग कंडीशंस आर नीडेड टू बी सैटिस्फाइड। पहला कहता है कि स्टेटमेंट मस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ ओपिनियन, ठीक है। दूसरा, स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय पार्टिसिपेंट और विटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड स्टेटमेंट मेड बाय बाईस्टैंडर इज एडमिशिबल only if he was there at the time
when offense took place. Last कहता है, statement must explain incident in same reasonable manner. Statement must explain incident in same reasonable manner. So these are the grounds for the admissibility of res justi. चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं, रेस जस्टी एंड हियर से एविडेंस. हम जानते हैं कि हमारे लॉ ऑफ एविडेंस का जो जनरल प्रिंसिपल है, जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो है हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस. हियर से एविडेंस जनरली कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है. लेकिन ये जो सेक्शन 6 है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी भी कहते हैं. देखो, इस सेक्शन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ. उसके पीछे का जो रीज़न है कि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए. एक ही चीज़ को अगर आप बार बार सुनते हो तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी कहते हैं, ये क्या है? एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस का. अच्छा, हियर से एविडेंस क्या है? हमने एक सेपरेट क्लास लिया है हियर से एविडेंस के ऊपर, और बहुत ही डिटेल्ड वे में वो क्लास है. हमने हियर से एविडेंस से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने उस पर्टिकुलर क्लास में समझ लिया था. हमने ये जाना कि हियर से एविडेंस, एक पर्सन ने किसी पर्सन को कुछ कहते हुए सुना, उसने उस चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में स्टेट कर दिया, बता दिया. यानी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा. जो सोर्स है वो कोई अदर पर्सन है. जिस भी इंफॉर्मेशन को आपने कोर्ट में बताया, वो इंफॉर्मेशन आपके डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज में नहीं था. वॉट एवर यू हैव हर्ड फ्रॉम अदर पर्सन, यू स्टेटेड सेम थिंग इन द कोर्ट. ये क्या है? हियर से एविडेंस है. और हमने ये जाना कि हियर से एविडेंस के एडमिशिबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन रहता है. क्यों? क्योंकि इसके ऑथेंटिसिटी में, इसके रिलायबिलिटी में डाउट रहता है. लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी है वो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, ठीक है. क्योंकि बाई स्टैंडर्ड ने क्या कहा, उसे आप एडमिशिबल मान रहे हो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस, ठीक है. अब हम इसे एडमिशिबल क्यों मान रहे हैं? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, राइट. और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी में तीन लोगों के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रेलेवेंट माने जाते हैं, एक्यूज्ड, विक्टिम और बाईस्टैंडर्स. क्योंकि जो बाईस्टैंडर है उसका स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, इसलिए हम इसे एडमिशिबल मानते हैं. तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, विच इज हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, ठीक है. तो ये था सेक्शन 6, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. यानी हम उन फैक्ट्स के
उन फैक्ट्स को हम रेलिवेंट फैक्ट मान रहे हैं, जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माने जा रहे हैं। फिर चाहे उनका अकरेंस सेम टाइम सेम प्लेस पे हुआ हो या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो। तो अब देखो, इस पर्टिकुलर सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखते हो, समझते हो, नोट्स बनाते हो, तो वाइवा और थियरी दोनों में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और इसे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।